नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। सिद्धार्थनगर जिले के विधानसभा डुमरियागंज में चुनाव का रंग तीखा होता जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है कि धौरहरा स्टेट के कुंवर आनंद सिंह को उनके आवास पर नजरबंद किया गया है। इस पर कुंवर आनंद सिंह ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने भी सुना है मगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं, बल्कि कोशिश की जा रही है, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि डुमरियागंज विधायक ने शिकायत की है कि मेरी उनसे झड़प हुई, मगर डुमरियागंज विधायक खुद चुनाव आयोग द्वारा 24 घंटे के लिए पाबंद किए गए थे। ऐसे में मेरी उनसे झड़प कैसे हो जाती? विधायक द्वारा एक जनसभा में मुझे धमकी दी गई, 10 मार्च के बाद देख लूंगा तो मैं उनकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। जगह और टाइम का चुनाव विधायक खुद करेंगे। जब सवाल पूछा गया कि विधायक ने ऐसा क्यों कहा, तब उन्होंने बताया कि वह चुनाव हार रहे हैं और बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। विधायक यहाँ से सारे बूथ पर हार रहे हैं और इस कारण मुझे मानते हैं कि जनता पर मेरा प्रभाव है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी जनता का प्यार का प्रभाव है, गुंडे या बदमाशी का नहीं। सिद्धार्थनगर से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अजहर हुसैनी फारूकी की रिपोर्ट। हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी, फोन आया था चौकी इंचार्ज का मेरे भाई के पास, जो विधायक जी ने शिकायत की है अधिकारियों से कि मेरी उनकी झड़प हुई है, और जो भी और शिकायत करी हो उन्होंने उसकी, तो क्या है सच्चाई? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, वो खुद ही कल शाम से आज सुबह तक, कल दिन भर आज सुबह तक नजरबंद थे। चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग ने रोक लगा रखा था, वो खुद ही बाहर नहीं निकले तो मेरी झड़प कहाँ से हो जाएगी? तो जो भी जानकारी आ रही है कि आपको नजरबंद किया गया है, करने की कोशिश की जा रही है, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, गवाह कुछ हुआ ही नहीं तो गवाह कहाँ मिलेगा? चाहते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये उनकी गंदी मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी राजनीतिक जीवन में 27 साल से हूँ और कभी मैंने मंच की मर्यादा नहीं जाने दी, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी को अपमानजनक शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करे। ये उनकी प्रवृत्ति है कि वो लोगों को गालियाँ देना, ये सब वायरल है, सब चल ही रहा है इस पर, आपके सोशल मीडिया पे और उस पर हर प्रिंट मीडिया में हर जगह चल रहा है। और उन्होंने आज हमें धमकी दी है, यह सत्य है, उन्होंने धमकी दी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। विधायक ने ऐसा क्यों किया? जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरह से बौखला गए, इसने अनाप शनाप हारेंगे, नदी के इस पार कोई भी बूथ जीत नहीं रहे हैं, बौखला गए हैं, उनको ये लगता है कि मेरा प्रभाव है, तो प्रभाव प्यार का प्रभाव है, कोई गुंडई बदमाशी का प्रभाव नहीं, गलत है। और यहाँ करीब करीब हर बूथ से लोग बैठे हुए हैं, चुनाव परिणाम आने दीजिए, 3 तारीख को वोट पड़ने दीजिए, 10 को पता चल जाएगा। क्या धमकी दी उन्होंने? उन्होंने धमकी दी है, बाजार में सुबह आए थे और माइक से बोल रहे थे धोभा बाजार में कि 10 तारीख के बाद उनका हिसाब करूंगा, और तमाम उल्टी पलटी बातें उन्होंने बोली हैं जो उन्हीं को शोभा देती हैं, जो उनके परिवार ने उनको संस्कार दिया है। हाँ, ये है कि मैं भी ये कहना चाहूँगा कि उनकी हर चुनौती मुझे स्वीकार है, और वो जिस भी तरह से मुझसे, जिस भी तरह से निपटना चाहें वो स्वतंत्र हैं, जगह स्थान वो तय कर लें, कालों डरे नरण रघुवंशी, तो मैं हर तरह से। तो ये थी आज की खास खबरें, ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।